नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन भूलकर भी व्यक्ति को कुछ काम नहीं करना चाहिए। यकीनन इन कामों के करने से आपके घर में कंगाली और बर्बादी आ सकती है। तो कौन से वे काम हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो हमें दशहरे पर भूल कर भी नहीं करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर एक, किसी का भी बुरा करने से बचें। विजयदशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी दिन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचना चाहिए, लेकिन विजयदशमी के दिन आप ये गलती भूल कर भी ना करें। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, पेड़ काटने से बचें। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है और उसके घर में गरीबी आ सकती है। दोस्तों, नंबर तीन, जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाएं। दशहरे के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। प्रभु श्री राम आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, और अगर राम आपसे नाराज हो गए तो यकीनन आप भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हैं। और राम आपसे नाराज हो गए तो आपका उस दिन ही दुर्भाग्य होना तय है। तो आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, इससे आपको हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, नंबर चार है, किसी स्त्री और बुजुर्ग का अपमान। दशहरे के दिन भूल कर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी दशहरा क्या है, कोई भी दिन हो, हमें बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और ख़ास कर दशहरे वाले दिन अगर आप ये काम करेंगे तो प्रभु श्री राम आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और उनके रुष्ट होने से आपकी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। और यकीनन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, नंबर पाँच है, शराब का सेवन। दशहरे के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम आपसे नाराज हो सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, मदिरा का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए भूल कर भी आप दशहरा के दिन मांस मछली और मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम आपको दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दशहरा मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आने पर आप प्रभु श्री राम के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।